Aliza, are you there with us? Guys, the people who fail to answer, I'm going to note yes, their ma'am. Names down. Okay, shabash. So, mujhe batao ke medial pterygoid wali branch jo, is it sensory or motor? Motor branch. ठीक है, medial pterygoid वाली branch motor है, nervous spinosus sensory है, ठीक है, ये mixed nerve है, mandibular nerve. Then you come on to the anterior division. Anterior division जो है वो सारी muscles of mastications को जा रही होती है, ठीक है, ये most इसे majorly motor कहते हैं, जो anterior division होती है ना, वो majorly motor होती है और very minorly sensory होती है. किस तरह की ये देती है बाकी तीनों muscles को supply. मैसेटेरिक मैसेटर को जाएगी, एक्सटर्नल टेरिगोइड दोनों टेरिगोइड्स को जाएगी, डीप टेम्पोरल टेम्पोरलिस को जाएगी, ठीक है. जो एक सेंसरी नर्व रह गई है ना यहाँ पे, वो है बक्सिनेटर. तो ये बक्सिनेटर को जाएगी, यानी ये इनसाइड द स्किन, इनसाइड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द चीक को भी जाएगी, ठीक है. दिस गोज टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द चीक, यानी ये चीक को जो सप्लाई करती है वो बक्सिनेटर होती है, और ये वाली डिवीजन सेंसरी, ये वाली ब्रांच, सॉरी नॉट द डिवीजन, ये वाली ब्रांच सेंसरी है, और जो ऊपर तीनों है दोज आर मोटर ब्रांचेस, ठीक है. तो एंटीरियर जो है वो मेजर जो है वो मोटर है, क्योंकि उसके अंदर तीन ब्रांचेस मोटर है. पोस्टीरियर डिवीजन में आ जाओ, पोस्टीरियर डिवीजन में तीन ब्रांचेस हैं, ऑरिकुलो टेम्पोरल, लिंगुअल, इंटीरियर एल्वियोलर. अब जो पोस्टीरियर डिवीजन है ना, दैट इज मोस्टली सेंसरी एंड माइनरली मोटर, ठीक है, उल्टी बात है एंटीरियर डिवीजन से. ये सारी सेंसरी नर्व्स, इंफीरियर एल्वियोलर भी सेंसरी, लिंगुअल भी सेंसरी, ऑरिकुलो टेम्पोरल भी सेंसरी है, मगर इसमें थोड़े से मोटर फाइबर्स हैं जो कि पैरासिम्पथेटिक मोटर होते हैं, जो कि यहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है, लेट मी आस्क हसन. हसन, आर यू देयर? यस मैम. हाँ जी हसन, यहाँ पे कौन सा ग्लैंड पड़ा हुआ होता है फेस के साइड पे, कान के आगे, जिसको ये सिक्रीटो मोटर पोस्टीरियर वो फाइबर्स दे रही होगी? पैरोटिड ग्लैंड होता है मैम. जी, पेरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है, शाबाश. हनान, आप नहीं लिखना है अनलेस आई आस्क यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, आई एम सॉरी. अच्छा, सो वी अंडरस्टैंड दिस कि मेन ट्रंक की सिर्फ दो ब्रांचेस हैं, यहाँ पे चार लिखी हुई है, मगर ये जो दो ब्रांचेस हैं, टेंसर बिलाय पिलेटिनाई, टेंसर टिम्पनाई, ये मीडियल नर्व टू मीडियल टेरिकॉइड के अंडर आ जाती है. जब आप नर्व टू मीडियल टेरिकॉइड लिखते हैं तो आप उसके आगे से लिख देते हैं मीडियल टेरिकॉइड goes to the medial pterygoid muscle, then nerve to tensor villi palatina and tensor tympani. और एक meningeal branch है जिसका दूसरा नाम ये होता है अगर MCQs वगैरह में pop हो जाए, ठीक है. Anterior division बाकी तीन muscles को supply करती है, इसलिए mostly motor है, और थोड़ा सा skin of cheek को sensory supply देती है, तो buccinator nerve नाम है उसका. Posterior division में सारी sensory है, सिर्फ auriculotemporal के अंदर secretomotor fibers होते हैं to the parotid gland, मगर auriculotemporal at the same time sensory भी होती है, ठीक है. Achha, what is trigeminal nerve? It is, achha, what is the mandibular nerve? It is the third division of the trigeminal origin. It is a mixed nerve formed of two roots. ठीक है, ये हमें पता है कि इसके अंदर sensory root भी आ रही है, motor root भी आ रही है. तो हमने पढ़ा था. जी जी. मैम, जो meningeal branch है, इसकी वो exit through foramen spinosum. वो, so I think foramen spinosum, इसको spinosus इसलिए नाम नहीं है. ओवेल के पास ही ये निकल के एकदम ऊपर दोबारा चली जाती है, पहली ब्रांच निकलती है, जैसे ये उससे एग्जिट करती है, ये वाली नर्व स्पाइनोसस. यस मैम, नर्व मेनिंजियल ब्रांच यू स्टडीड इन अंडर द फोरमेन स्पाइनोसम, यू आर टेलिंग मी, मगर मेनिंजियल ब्रांच बाकी सारी, यू कांट, डू यू नो दैट इट इज द मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व? यस मैम, आई विल चेक यू लेटर. ठीक है, तो वो जरूरी नहीं कि इसकी मेनिंजियल ब्रांच हो, ये कंफ्यूज नहीं होना है. मेनिंजियल ब्रांचेस बहुत सारी है, हर जगह की जो नर्व निकल रही है उस साथ साथ मेनिंजियल ब्रांचेस देती है, उस एरिया में सप्लाई करती जाती है, ठीक है. जिस तरह मैंने बताया कि दिस इज द फर्स्ट, अभी मैं आगे तस्वीर में दिखाऊं. जी जी मैम, आई रीड दैट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व पासेस थ्रू फोरमेन स्पाइनोसम. मेनिंजियल जो पास करती है स्पाइनोसम की, वो दूसरी मेनिंजियल ब्रांच होगी, ये तो निकलती है और वहीं से ऊपर जाके सप्लाई करना शुरू हो जाती है ड्यूरा को, ठीक है.
तो ये मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व है. मेनिंजियल ब्रांचेस विल फाइंड आउट के और कौन कौन से क्रेनियल नर्व्स के और कैसे कैसे ड्यूरा को. ये पूरे ड्यूरा को थोड़ी सप्लाई करी ये वाली मेनिंजियल ब्रांच, ये सिर्फ इस रीजन के ड्यूरा को सप्लाई करी है. ठीक है, तो दूसरी जो ब्रांच पहले भी पढ़ा था कि मेनिंजियल ब्रांचेस और भी हमने पढ़ी हुई क्रेनियल नर्व्स के साथ, जब निकल रही होती तो उस रीजन में उस एरिया के ड्यूरा को सप्लाई करी होती है. ये पहली ब्रांच निकलती है जैसे ये ओवेल से एग्जिट हो रही होती है, फिर ये ओवेल से पहले ऊपर चली जाती है दोबारा और यहाँ पे ड्यूरा को मिडल क्रेनियल फॉसा में सप्लाई करती है उस रीजन में. ठीक है, ठीक है. ओके, सो हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी दो रूट्स होती है, सेंसरी होती है, मोटर होती है. मगर मोटर रूट जो है ना वो अभी तक किसी वाली ब्रांच वो डिवीजन में नहीं गई, ना ऑप्थैल्मिक डिवीजन में गई ना मैक्सिलरी डिवीजन में गई, मगर यहाँ पे मैंडिबुलर डिवीजन में वो आ जाती है. ठीक है, तो मैं जो आपकी मैंडिबुलर नर्व है वो आपकी सेंसरी रूट से भी बनी हुई है जो कि गैंग्लियन से निकलती है, जो कि सेमिल्यूनर या गेसेरियन गैंग्लियन होता है, और मोटर रूट है जो कि सीधी पीछे से आ रही थी और गैंग्लियन से नहीं गुजरती थी. इफ यू रिमेंबर आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन द ट्राइजेमिनल नर्व देन यू वुड रिमेंबर दिस. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स अगेन अबाउट द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, बट यू नो कि हमने हर क्रेनियल नर्व किस तरह पढ़नी है. मैंने आप लोगों को बताया है उसके न्यूक्लियाई, उसके फंक्शनल कंपोनेंट, सप्लाई, ब्रांचेस, सब हमें पता होनी चाहिए, पोर्स वगैरह. सो दैट ऑल वी हैव कवर्ड बिफोर. नाउ वी आर जस्ट ऑन टू द ट्राइजेमिनल नर्व की थर्ड ब्रांच. इसलिए मैं थोड़ा सा याद करानी हूँ कि जो सेंसरी रूट थी वो गैंग्लियन से होती भी गुजरती है, गैसेरियन या सेमिल्यूनर गैंग्लियन, मगर जो मोटर रूट है वो सीधी आ रही है आपके ब्रेन से एंड इट कम्स स्ट्रेट ओवर हियर एंड इट जॉइंस इट आफ्टर द गैंग्लियन. ठीक है, और स्मॉल होती है, स्मॉलर रूट होती है. जब हम व्हेन यू गाइस कम बैक इंशाल्लाह वी हैव लाइक मॉडल्स उसके ऊपर ये क्रेनियल नर्व सारी नजर आती है. व्हेन वी डू द न्यूरो एनाटॉमी उसके अंदर हम देखेंगे इन्हें डिटेल में, तो वो उस पिक्चर्स पे आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि मोटर रूट छोटी सी होती है और मीडियली पड़ी होती है. MM करके से याद करते हैं, मोटर रूट मीडियली पड़ी होती है और छोटी सी होती है, सेंसरी रूट लैटरली पड़ी होती है और बड़ी होती है. ये MCQ में भी सवाल आ जाता है. अच्छा जी, ये बात थी. अब ये आपकी ट्रंक है, ठीक है, दिस इज योर ट्रंक. अब इसको इमेजिन करो कि इसके ऊपर यहाँ पे ये फॉरमेन ओवेल होगा और उसके नीचे ये ट्रंक है और ट्रंक से दो ब्रांचेस निकल रही है. तो पहली जो ब्रांच निकलेगी और जो ऊपर चली जाएगी हनान, वो कौन सी ब्रांच होगी ट्रंक की? हनान, आर यू देयर? मेनिंजियल ब्रांच होगी. मेनिंजियल ब्रांच होगी, नर्वस स्पाइनोसिस या मेनिंजियल ब्रांच हो के यूं पहले निकलेगी, ऊपर जाएगी उस फोरमेन के अंदर से जिससे नर्व निकल रही थी वहां से वापस जाएगी और ऊपर जाके ड्यूरा को सप्लाई. मैम आपकी आवाज कट रही है. Alrighty, we're back, guys. So I was talking to Fajar Iqbal. Fajar, are you here? Either message me or talk. Yes, ma'am. हाँ जी Fajar. So I was telling कि पहली branch हमें हनान ने बता दी कि ये जो निकली है निकलते ही trunk में से main trunk में से वो meningeal हो गई. दूसरी branch. 3 minutes. So the next branch that comes up, Fajar, is your nerve to medial pterygoid. ठीक है, nerve to medial pterygoid, जिसमें से tensor villi palatini and tensor tympani वाली दोनों branches निकलेगी. जब वो एक दफा trunk खत्म हो गया तो ये आपका anterior division है. Anterior division ने ये वाली सारी branches दी. पहले उसने तीनों muscles को supply किया, ठीक है, mesenteric, deep temporal, pterygoids.
और आगे जाके एक सेंसरी डिवीजन दी नोमान, वो कौन सी सेंसरी डिवीजन है? फजर अपने आप को म्यूट करो, नोमान ये कौन सी सेंसरी डिवीजन है? इंटीरियर डिवीजन की एक सेंसरी डिवीजन है, वो कौन सी है? सेंसरी ब्रांच है। Come on, Noman. Either type it out or tell me fast. Buckle, ma'am. Buckle, shabash. So this is your buckle nerve. ठीक है? फिर हम इससे और नीचे आ जाते हैं तो posterior division आ जाती है. Posterior division हमें तीन branches देती है. ठीक है? Posterior division में inferior alveolar nerve आती है. Posterior division में lingual nerve आती है. देखो tongue तक जा रही है. एंड ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व आती है. जो आपकी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व होती है ना, ये सबसे नीचे आ तो रही है मगर ये दोबारा ऊपर जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऊपर जाके कान कहीं यहाँ पे है. ठीक है, कान और पेरोटिड रीजन यहाँ पे, तो ये दोबारा ऊपर जाती है, कान को सप्लाई करती है, पेरोटिड को करती है, टेम्पल्स को सप्लाई करती है. ठीक है, जो पोस्टीरियर डिविजन की तीनों नर्व है ना, लिंगुअल ये वाली इंफीरियर एल्वियुलर और ये आपकी थर्ड वन वॉज ऑरिकुलोटेम्पोरल. इनकी हमें डिटेल पता होनी चाहिए, इनपे स्टार्स लगा लो कि दे आर वेरी सुपर इम्पोर्टेंट. ठीक है, उनकी अलहदा अलहदा से रूट्स सप्लाई ब्रांचेस अलहदा अलहदा से पूछी जा सकती हैं. सही है, द ब्रांचेस ऑफ द मैंडिबुलर नर्व फ्रॉम द मेन ट्रंक वी हैव सीन दिस, मैंने आप लोगों को ये वाला पिक्चर समझा दी है. देन वी हैव सीन दिस टू, ये भी तस्वीर समझा दी है, एंटीरियर डिविजन से किस तरह तीनों निकल रही है और फिर लास्ट जो है वो सेंसरी डिविजन है branches, sorry, and then from the posterior भी मैंने दिखा दी है कि auricular, उन्होंने auricular temporal यहाँ पे दिखाई है, because ये auricular temporal ऊपर जाती है, like I said ऊपर जाती है. And yeah, another thing I want you to remember कि auricular temporal यूं करके होती है, दो rootlet से निकलती है. So ignore this one, look at this one. ये दो rootlet से निकल रही है, इसके बीच में जो ये triangular सी space है ना, इसके अंदर एक artery गुजरती है, जो कि tyrion पे damage होती थी तो बहुत ज़्यादा bleeding होती, tyrion के ऊपर एक artery पड़ी होती थी जिसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस थी. इसका जवाब मुझे देगी हिरा. हिरा, आर यू हियर विद अस? यस मैम, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, शाबाश. ठीक है, तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के अराउंड ये होती है, और ऑरिकुलोटेम्पोरल दो रूटलेट से निकलती है और मिडिल मेनिंजियल यहाँ पे बीच से गुजर रही होती है, और फिर ये ऑरिकुलोटेम्पोरल अराइज करती है, यहाँ पे पेरोटिड को देती है, पीछे कान को देती है और ऊपर जाती है और टेम्पोरल रीजन को भी देती है, TMJ को भी सप्लाई करती है. ये सारी इस जगह की सेंसरी सप्लाई इसकी होती है. सो या लिंगुअल नर्व, इंफीरियर एल्वियुलर नर्व और माइलोहायड नर्व जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, वो इंफीरियर एल्वियुलर की ब्रांच है. ये जो निकल रही है ना, इसको याद रख लो कि माइलोहायड है, ये इंफीरियर एल्वियुलर में से निकलती है. मैं दिखाऊंगी किस तरह. Branches from the posterior division are three sensory, one motor. Text से नहीं घबराना, मैं समझाती जाऊंगी टेक्स्ट को. ठीक है, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व है जो कि सेंसरी किस तरह, इट अराइजेस बाय द टू रूट्स व्हिच सराउंड्स द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. ये बात हमने कर ली कि वो किस तरह अराइज करती है टू रूट्स के, और बीच में किस तरह मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है. पासिस बैकवर्ड्स मीडियल टू द नेक ऑफ द मैंडिबल, देन बिहाइंड द टीएमजे, असेंड्स डीप टू द पेरोटिड टू अपीयर एट इट्स अपर पोल बिहाइंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल. वो कहते हैं कि वो जब निकलती है, वेयर इज इट, ओवर हियर, ये देखो, ये बात करें कि ऑरिकुलो टेम्पोरल जब निकली यहाँ से, अराइज हुई, ये देखो, इसने पहले तो ये किया, इसके अराउंड एक लूप बनाया, दो रूटलेट से निकलती है और उसके बीच में ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जा रही, जो कि बीच टेम्पोरल रीजन में होती है, हमें पता है. फिर वो बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल जा रही है, ये नेक ऑफ द मैंडिबल है, बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल गोज अपवर्ड जाइगोमेटिक आर्च के ऊपर से गुजरी और ये ऊपर चली गई इन द टेम्पोरल रीजन. पहले तो ये यहाँ पे आपका वो भी पड़ा होता है, पहले डीप यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं, यहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड पड़ा होता है, पेरोटिड ग्लैंड के डीप अपर पोल से, क्योंकि लोअर पोल यहाँ पे आ रहा होगा और मीडियल यहाँ होगा और लैटरल यहाँ होगा, तो अपर पोल के पास से गुजरती हुई ऊपर टेम्पोरल रीजन पे चली जाती है. ठीक है, और अब ये सप्लाई क्या क्या करेगी, जहां जहां से ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व गुजर रही है उस सब को ये सप्लाई करती है. ठीक है, लेट्स लुक एट इट. टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को करेगी कि उसके नीचे से गुजर रही है. सेंसरी फाइबर्स टू द पैरेन्काइमा ऑफ द पेरोटिड, पेरोटिड को सेंसरी सप्लाई भी दे रहेगी. ठीक है, पैरासिम्पथेटिक तो मैंने बात की है शुरू में, वो उसका मोटर वो एलिमेंट है, मगर सेंसरी सप्लाई भी दे रही है. ये बाकी जितना सप्लाई है ना इसका, ये सारा सेंसरी है. टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के लिए सेंसरी, अगर टीएमजे में पेन हो रही है किसी को और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सी नर्व एक्टिवेट हो रही है, आपको ये तो पता
क्योंकि इस एरिया में वो आती है, बट पर्टिकुलरली ऑरिकुलोटेम्पोरल हो रही है क्योंकि वो टीएमजे को सप्लाई करती है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर. फिर पेरोटिड को सप्लाई करती है सेंसरी, अपर टू थर्ड ऑफ द सर्फिस ऑफ द ऑरिकल को, यानी कान का अपर टू थर्ड सर्फिस, ठीक है, ऊपर के हिस्से में कान में अगर आपको तकलीफ होती है या कुछ होती है तो आपके ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व में पेन हो रही है, ठीक है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व वो सेंसेशन लेके जा रही है. स्कैल्प अबाव इट यानी कान के ऊपर ऊपर जो स्कैल्प ना, जहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स होती थी, अगर हमने जब स्कैल्प पढ़ा था तो हमें याद होना चाहिए, ये जिसको हम टेम्पोरल रीजन कहते हैं, कान के ऊपर वाला रीजन टेम्पोरल रीजन, वहां पे सप्लाई करती है. स्किन लाइनिंग द एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस पढ़ा है, टेम्पोरल बोन में होता है, तो उसके अराउंड जो स्किन होती है उसको सप्लाई करती है. ट्रेगस ऑफ द ईयर एंड आउटर ऑफ द ईयर ड्रम को सप्लाई करती है. एंड सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक सिक्रेटरी फाइबर्स टू द ओटिक गैंग्लियन और उससे आगे टू द, जो यहाँ नहीं लिखा, दैट इज द पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें. जहां जहां जाती है वहां वहां सप्लाई करती है, ठीक है, यहां से निकलती है पहले पेरोटिड में जाती है, पेरोटिड को सप्लाई करती है, उसके बाद जो है यहाँ पे नेक ऑफ मैंडिबल और टीएमजे के पीछे से गुजरती है तो टीएमजे को सप्लाई करती है. यहाँ से ऊपर जा रही है, ये देखो एक्सटर्नल एकूस्टिक मिएटस, ये रहा, तो इसकी स्किन को सप्लाई करेगी. यहीं पे कान भी पड़ा हुआ था एक्सटर्नल एकूस्टिक मिएटस के ऊपर, उसके अपर टू थर्ड्स को सप्लाई करेगी, कान के ऊपर जितना टेम्पोरल रीजन है उसको सप्लाई करेगी, ठीक है. आई होप दैट्स क्लियर. यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस देम इन द एंड. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन. आर वी ऑन द नेक्स्ट ब्रांच? लिंगुअल नर्व, ठीक है. Lingual nerve. It comes in direct contact with the mandible medial to the third molar tooth. अच्छा, अब अपने अगर मुंह में हाथ डाल सकते हो तो मैं जिस का मेरी आवाज सही से आ रही है ना, क्योंकि मेरी कनेक्शन अनस्टेबल कहता है. सो मैंडिबुलर टीथ में, मैंडिबुलर लिंगुअल नर्व कहाँ पे होती है? जैसे द मैंडिबुलर टीथ में जो थर्ड मोलर है, सबकी अकल दाड़ तो नहीं निकली होगी, जिन जिन में है शायद अकल उनमें निकल आई हो. यू गाइस आर प्रोबब्ली 18 राइट नाउ, सो निकलना शुरू हो रही होगी. सो द थर्ड मोलर रीजन इन द मैंडिबुलर एरिया, उसके मीडियल साइड पे, नॉट द लैटरल साइड, नॉट बिटवीन द चीक एंड द टूथ, बल्कि इनर साइड पे, टंग के साइड पे, ठीक है, टंग वाले साइड पे जो एरिया है, गम है जो उसे सराउंड करता है थर्ड मोलर टूथ को, यहाँ पे नर्व इतनी सुपरफिशियल है क्योंकि उसके ऊपर हल्का सा म्यूकस मेम्ब्रेन है गम का, ठीक है, एंड बिकम्स पैल्पेबल अगेंस्ट द मैंडिबल अबाउट 1 centimeter बिलो एंड बिहाइंड द थर्ड मोलर, ठीक है. तो थर्ड मोलर का जो गम एरिया है जो दांत की तरफ है उसके 1 centimeter नीचे एंड बिहाइंड, ठीक है, थोड़ा सा बिहाइंड. अब ये पैल्पेबल का मतलब ये नहीं है तुम लोग यहाँ पे उंगली रखो और कहो कि फीलिंग नहीं आ रही. ऑब्वियसली यू कैन नॉट फील इट बिकॉज इट्स नॉट एन आर्टरी, ओनली द आर्टरी पल्सेट्स, ठीक है, नर्व्स डू नॉट पल्सेट. बट इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्यों है कि अगर आपको कोई गलत इंजेक्शन मिल जाए ना, डेंटल इंजेक्शन यहाँ पे, तो लिंगुअल नर्व के चांसेस होते हैं डैमेज होने के, ठीक है, सो दैट यू शुड रिमेम्बर. It carries general and taste sensation. Oh God, I have forgotten ki taste sensation wala kaun sa wo hota tha. Kisko yaad hai? SVA hota tha ya GV hota tha? Mujhe lagta hai SVA hota tha. Kisko yaad hai? SVA. Functional component. Ma'am, SVA. Aur jo hearing aur sight wala hota tha wo SSA hota tha. Yes, ma'am. Hearing balanced vision वाला होता था SSA. शाबाश, तुम लोग मुझसे ज़्यादा smart हो गए, ठीक है? So it carries general and taste sensations from the anterior two thirds of the tongue, यानी mandibular nerve के पास ये वाला component भी है, ठीक है? इसका component, functional component है taste का, और जिसकी वजह से trigeminal nerve के पास भी ये functional component है. जब हमने trigeminal nerve पढ़ा था तो हमने ये बात discuss किया था. तो और ये कहाँ से करती है ये सारा काम? एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग. जब हम टंग पढ़ेंगे ना, टंग के हर एरिया में एंटीरियर टू थर्ड, पोस्टीरियर वन थर्ड एंड पोस्टीरियर मोस्ट थर्ड, तीन पार्ट्स में हम टंग को डिवाइड करते हैं और हर जगह से डिफरेंट टेस्ट सेंसेशन डिफरेंट क्रेनियल नर्व लेके जाती है.
अलग-अलग से सवाल आता है, but that is when safe for when we study the tongue in the next substage. For now, you need to know कि anterior two-thirds of the tongue को general sensations भी देती है, hot, pain, cold की, और उसके अलावा taste भी लेके जाती है. It carries general sensations from the floor of the mouth and gums, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किस तरह gums में पड़ी है और उसके नजदीक ही बिल्कुल floor of the mouth भी पड़ा हुआ है. तो floor of the mouth क्या जगह होती है, जो कि tongue के नीचे जो होता है ना सारा area, that is the floor of the mouth. It carries secretomotor parasympathetic fibers from chorda tympani to the submandibular and sublingual glands. Oh, अब ये कितनी important नाम है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो posterior division है ना उसकी तो हमने हर चीज करनी है. हमने पहले पढ़ी auriculotemporal nerve जो कि दोबारा से secretomotor fibers लेके जा रही थी but to the parotid gland and the lingual nerve which takes it to the submandibular and sublingual gland. यानी ये जो posterior division है ये आपके secretomotor fibers in short लेके जाती to your salivary glands, ठीक है. तो ये वाली जो है लिंगुअल नर्व ये कॉर्डा टिम्पनाई के साथ मिलती है. कॉर्डा टिम्पनाई किसकी ब्रांच होती थी, हमदा, कौन सी क्रेनियल नर्व की, हमदा नदीम, हमदा आर यू देयर, हमदा आर यू देयर, means that you're not there. You could text me, but if you don't text me, I understand that you're not there. I'll keep noticing down these names. और इस तरह अगर होता रहा तो I'll request कि ये लोग मेरी क्लास से निकल जाए करें. इनको सिर्फ मैं साइड पे कोई और लेक्चर not there take their lectures. Who's Hamda? Where is she? अच्छा शाहिर, यू टेल मी कॉर्डा टिम्पनाई किसकी नर्व है? फेशियल नर्व की मैम. फेशियल नर्व की, शाबाश हिरा, आई नो यू नो द आंसर, इट्स ओके, थैंक यू. अच्छा, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड. वेट, गोना टाइप दिस नेम ऑल्स आउट एंड इफ आई सी दिस नेम्स. आगे आ जाओ. Let's look at this picture over here. थोड़ी सी पिक्चर देख लेते हैं. हाँ जी, सो ये देखो, ये ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है. ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जैसे ही निकलती है वो ऊपर चली जाती है थोड़ा सा अपर पोल ऑफ पेरोटिड के सामने से, ये जिस तरह मैंने बताया था मैंडिबल के पीछे से. यहाँ पे इन्होंने सही से नहीं दिखाया, उधर से ऊपर कर दिया. मगर यहाँ से नेक के पीछे से जाती है, टीएमजे के पीछे से एकूस्टिक मेजर्स के साथ से यूं करके आती है, ठीक है. फिर उसके बाद ये आपकी जो नर्व है ये बकल नर्व है. बकल नर्व हमने पढ़ा था किसकी ब्रांच थी, दैट वाज द ब्रांच ऑफ द एंटीरियर डिवीजन. और वो यहाँ पे आके स्किन ऑफ चीक को और स्किन ऑफ चीक के अलावा उसको भी देती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द चीक को देती है. देन यू हैड द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व. अब हमें याद है कि इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स कौन से कैनाल से जाती थी. कैनाल का क्या नाम था जो मैंडिबल के मीडियल साइड पे पढ़ते थे हम, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कैनाल, जो कि मैं कहती थी मैंडिबुलर फोरमेन से शुरू होता था, मेंटल फोरमेन पे निकलता था. इशा काशिफ, कौन सा कैनाल था आपकी आवाज कट रही है, ये वाला जो कैनाल है, चलो सामने ही लिखा हुआ है. ओह माय गॉड, एंड इवन देन इफ यू आर नॉट गोना आंसर दैट्स रियली सैड. सो दिस अच्छा मेरी आवाज कट रही है, सो आई एम गोना स्टार्ट अगेन. ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व वाला सबको समझ आ गया था कि वो इस तरह करके निकलती है और ऊपर चली जाती है, ठीक है. थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, गलत ड्रॉ किया हुआ है. इस तरह उसे नेक ऑफ मैंडिबल के पीछे आना चाहिए, एकूस्टिक मीटर्स के साथ जाना चाहिए और फिर ऊपर जाती है, ठीक है. फिर बकल नर्व थी जो कि एंटीरियर डिवीजन की थी, यहाँ पे चीक पड़ा हुआ होता है तो चीक को सप्लाई करी होती है. फिर हमारे इंफीरियर एल्वियोलर नर्व थी जो कि मैंडिबुलर कैनाल में जाती है, ठीक है. इंफीरियर एल्वियोलर नर्व गोज टू द मैंडिबुलर कैनाल. जो इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व है वो इधर एक मैंडिबुलर कैनाल के ऊपर एक टूथ लाइक सा स्ट्रक्चर होता था, यूं करके एक प्रोजेक्शन होती थी, उसका नाम होता था क्या नाम होता था गाइस? लिंगुला. लिंगुला, शाबाश. लिंगुला होता था, लिंगुला के पास से ये अंदर जाती थी मैंडिबुलर कैनाल में और इन्फीरियर एल्वियोलर होती थी.
और जो ब्रांच बाहर रह जाती थी ना गाइस, अब जब इंफीरियर एल्वियोलर अंदर घुसने जा रही होती ना इस कैनाल में मैलिवियलर फोरामेन से, थोड़ा सा एक ब्रांच बाहर दे देती है, एक ब्रांच यहाँ घुसने से पहले दे देती है, उस ब्रांच का नाम होता है, अब मुझे बताओ यहाँ पे एक लाइन होती थी जिसका नाम होता था, जो ये मैलिवियलर कैनाल था उसके ऊपर एक लाइन होती थी और एक मसल आके अटैच होता था, कौन सा मसल था वो और कौन सी ग्रूव और लाइन थी? माइलोहाइड. Myelohyoid. Very nice. Very nice. So we had a myelohyoid groove and a myelohyoid line and the myelohyoid muscle. So जो जैसे यहाँ पे पहली branch देती है उसका नाम होता है myelohyoid nerve, जो कि branch है आपकी inferior alveolar nerve की. ठीक है, तो myelohyoid nerve यहाँ पे निकल आती है, inferior alveolar अंदर continue करती जाती है, mandibular foramen से घुसती है और बाहर chin पे जब निकलती है, chin को जो area supply करती है, that is your मेंटल नर्व. ठीक है, मेंटल नर्व फेस पे निकल के आती है और सारे चिन एरिया को करती है. तो इसकी अभी तक मैंने तुम लोगों को दो ब्रांचेस पढ़ाई, एक बताई इंफीरियर एल्वियोलर की बात करी, एक यहाँ पे बता दी जो पहले ही दे दी, सबसे पहली माइलोहाइड, बाहर निकल के आखिरी दी मेंटल, एक यहाँ पे ये अंदर भी दे रही है, यहाँ पे जो अंदर लोअर टीथ इंटीरियर लोअर टीथ को दे रही है ना, these are your incisive branches, incisive branches. ठीक है, ये incisive foramen होता है यहाँ पे mandible के inside में, तो वहां पे दे देती है. ठीक है, incisive branches और mental nerve जो है इसकी, ये terminal branches है. इसके अलावा ये देती है dental branches, ये देखो यू dental branches निकल रहे हैं सारे, तो ये सारे इन posterior teeth को supply करती है. The inferior alveolar इस सारे हिस्से को supply कर रही है, नर्व टू माइलोहाइड दे रही है, माइलोहाइड मसल और एरिया को सप्लाई कर रही है. इंफीरियर एल्वियोलर अंदर आती है, यहाँ पे डेंटल ब्रांचेस देना शुरू हो जाती है, यानी सारे लोअर टीथ को सप्लाई करती है पोस्टीरियर. आगे आती है, इंसाइसिव ब्रांच देती है, एंटीरियर लोअर टीथ को सप्लाई करती है. आगे आती है, मेंटल नर्व निकलती है चिन के ऊपर, चिन को सप्लाई करती है. ठीक है, तो ये सारी मैंडिबुलर नर्व है आपकी, सॉरी सारी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है. इसी तरह याद करो कि जो अपर टीथ थे इन्हें कौन सप्लाई करता था, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, और वो किस तरह मैक्सिलरी के ब्रांचेस होती थी. ठीक है, तो ये अलहदा से क्वेश्चन आ सकता है कि अपर टीथ की सारी इनर्वेशन बताएं, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर किसकी ब्रांच होती थी, मिडिल और पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर किन की ब्रांचेस होती थी, मैक्सिलरी में आगे से किस तरह डिविजन हुई थी, इसी तरह इसकी भी हो सकती है, सवाल पूछा जा सकता है. फिर वो दिखा रहे हैं यहाँ पे एक और चीज दिखा रहे हैं कि बकल नर्व तो यूं निकल गई, लिंगुअल नर्व मीडियली आती है, और मैंने बताया ये टांग है जो लाइट ब्लू है, ये टांग है, दिस इज योर थर्ड मोलर, दिस इज द इनसाइड मीडियल साइड और ये बाहर की साइड है मैंडिबल की. मैंने बताया था यहाँ से गुजरती है थर्ड मोलर के 1 सेंटीमीटर नीचे और थोड़ा सा पीछे, यहाँ से गुजर के आके फिर सारा आपकी इस साइड ऑफ द टांग को सप्लाई करती है, इसी तरह राइट साइड से आके दूसरी साइड को सप्लाई करेगी. तो ये वाला एरिया जो है ना, this is prone to damage. अगर आप ये वाला tooth extract करें ना, third molar extract करें, अब ये बात याद रखनी है कि ये वाली जो nerves है ना posterior division की, lingual nerve और inferior alveolar nerve, ये बहुत damage होती है. ठीक है, third molar का जब हम काम कर रहे होते हैं ना dentist, तो हम CBCTs और CBCT करा रहे होते हैं और OPG वाले बड़े वाले X-rays करा रहे होते हैं, just to find out कि ये nerve कितनी दूर से गुजर रही है, हमने इसे किस तरह अवॉइड करना है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फ्रॉम अ डेंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये नर्व यहाँ से गुजर रही होती है, आप यहाँ पे ज्यादा जोर जोर से मारें इस दांत को निकालने के लिए, तो ये नर्व डैमेज होगी, ये नर्व डैमेज होगी तो क्या होएगा, यहाँ से इंटीरियर टू थर्ड्स पे सेंसेशन नहीं आएगी, इंटीरियर टू थर्ड्स ऑफ द टंग नम हो जाएगी. ठीक है, ना यहाँ पे कोई फीलिंग होगी और ना सेंसेशन आएगी. कभी किसी ने एनेस्थीसिया लगवाया हो तो उन्हें पता होता है कि कैसी फीलिंग होती है, बिल्कुल सब जो है ना उस एरिया का नम हो जाता है, यू डोंट इवन नो अगर वो मूव कर रहा है, यू डोंट इवन नो कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, यू डोंट नो कि उस पर कोई चीज लग रही है नहीं लग रही, यू वोंट नो कि टेस्ट हो रहा है या नहीं आ रहा, तो ये फीलिंग होती है. अगर जब कोडा टिम्पनाई नर्व थी वो भी तो सेंसेशन लेती थी, कोडा टिम्पनाई नर्व कहाँ की सेंसेशन लेती थी, इंटीरियर टू थर्ड की? यस मैम. व्हाई? बिकॉज़ वो जॉइन करती है ना लिंगुअल नर्व को. So when we come on to the lingual, हमने पढ़ ली अभी, मैंने पढ़ा दी है, मैंने बताया है इसमें कि caudal tympani join करती है, मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताया ना कि caudal tympani join करती है और secreto motor fibers देती है, तो caudal tympani जब इसे एक दफा join कर देती है तो उसके fibers इसी के साथ लग जाते हैं ना, तो जहां जहां lingual nerve जाएगी caudal tympani उसको साथ साथ लेती भी जाएगी. मैम आप, हाँ
हाँ जी मैम आवाज कट रही है आपकी, मैम आवाज कट रही है आपकी, बहुत कट रही है मिस, आज तो बहुत ही कट रही है। That's really bad. Like if you guys have any questions या नहीं समझ आती, we can repeat that in the end. ठीक है? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm saying if you guys will have any questions या जो parts नहीं समझ आए होंगे, I'm gonna repeat them in the end for you. Okay? So what I was saying is के हाँ someone told me कि कॉर्डा टिम्पनाई भी इंटीरियर टू थर्ड्स को करती है, क्यों करती है, क्योंकि कॉर्डा टिम्पनाई लिंगुअल को ज्वाइन कर लेती है, तो जहाँ जहाँ लिंगुअल जाएगी वहाँ वहाँ कॉर्डा टिम्पनाई उसके साथ जाके वो वाले काम करेगी। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताना था ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के साथ एक बहुत जरूरी गैंग्लियन एसोसिएटेड है पैरासिम्पथेटिक, कोई बता सकते हो कौन सा है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के साथ? ऑटिक गैंग्लियन। ऑटिक गैंग्लियन, वेरी नाइस इस्मा। And then lingual nerve ke saath jo ganglion associated hai, that is your submandibular ganglion. Theek hai? To ye aur jo maxillary nerve ke saath associated tha wo kaun sa tha guys? Pterygopalatine ganglion. Very, very, very nice. And then we studied the ophthalmic division. Ophthalmic division se bhi hum लॉन्ग सिलरी शॉर्ट सिलरी नर्व्स करे होते थे, वहां पे भी एक गैंग्लियन था जो उससे लटका हुआ होता है, वो कौन सा गैंग्लियन था? जितने भी ये सारे पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन है हेड एंड नेक के, ये जितने गैंग्लियन तो नहीं कहते, गैंग्लिया कहते, ठीक है, जितने चारों गैंग्लिया है देर ऑल अटैच टू योर, अब हमेशा एक चीज याद रखनी है, इन द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आई एम गोना टेल यू कि हम एक गैंग्लिया को किस तरह, गैंग्लियन को किस तरह पढ़ेंगे। तो ये चीज याद रखते हैं कि ये सारे जो है ना एनाटॉमिकली या पोजिशन वाइज या टोपोग्राफिकली, ये तीनों एक ही वर्ड्स हैं, एनाटॉमिकली पोजिशन वाइज या टोपोग्राफिकली, ये सारे चारों पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया ऑफ द हेड एंड नेक आर एसोसिएटेड विद योर ट्राइजेमिनल नर्व। सिलरी गैंग्लियन आपका ऑप्थाल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से लटका हुआ है, बेशक कि वो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स रिले कर रहा हो, पहले एसोसिएटेड फंक्शनली वो दूसरी नर्व के साथ होता है, कौन सा नर्व के साथ फंक्शनली एसोसिएटेड है? ओके, वो चलो मैंने खुद ही बोल दिया, ऑक्यूलो मोटर नर्व के साथ होता है। ठीक है, फिर हम मैक्सिलरी नर्व के साथ पढ़ते हैं कि उससे लटका हुआ होता है टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, अगेन दिस इज व्हाई वी से टोपोग्राफिकली एनाटॉमिकली पोजिशन वाइज, क्योंकि उसके साथ लटका हुआ होता है। ठीक है, मगर वो किसके फाइबर्स लेके आ रहा होता है, कौन से फाइबर्स उसमें आ रहे होते हैं कि फंक्शनली रिलेटेड होते हैं? मैम आवाज कट रही है, क्वेश्चन रिपीट करें। अच्छा, मैंने बताया कि सिलरी गैंग्लियन लटका हुआ होता है ऑप्थाल्मिक डिवीजन से, जिसका मतलब है कि वो लो ऑप्थाल्मिक डिवीजन के साथ एनाटॉमिकली या पोजिशन वाइज एसोसिएटेड है, मगर उसके अंदर फाइबर्स जो फंक्शनल वाले आ रहे होते हैं प्री गैंग्लियोनिक, वो कौन सी क्रेनियल नर्व लाती है? सिलरी का पूछ रहे हो, आई में कौन सी पैरासिम्पथेटिक नर्व आती है? ऑक्यूलो मोटर, वेरी नाइस, ऑक्यूलो मोटर पैरासिम्पथेटिक, और जो मगर लोकेशन वाइज जो है गैंग्लियन वो ऑप्थाल्मिक डिवीजन से लटका हुआ है। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी याद करनी है। सेकंड गैंग्लियन हम पढ़ते हैं जो मैक्सिलरी नर्व से टेरिगोपैलेटाइन लगा हुआ होता है, मगर टेरिगोपैलेटाइन फंक्शनली मैक्सिलरी नर्व के साथ नहीं है, वो प्री गैंग्लियोनिक फंक्शनल फाइबर्स टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन को कौन ले आके देता है, कौन सी क्रैनियल नर्व? Facial nerve, 7th nerve, which is also the greater petrosal जो आती है, शाबाश। Third one हम study करते हैं auriculotemporal nerve, जो के branch है mandibular division के, mandibular division से दो लटके हुए हैं ganglions, auriculotemporal nerve के साथ otic ganglion लटका हुआ है, तो यानी इसकी ये positioning इसकी है topographically, anatomically या position wise, अब इसके अंदर जो fibers आएंगे ना guys, जो functional fibers आएंगे, किसी को एज अ हंच पता है ये कौन सी क्रैनियल नर्व लेके आती है? किसी को? एनीवन? मैम नाइंथ क्रैनियल नर्व। नाइंथ क्रैनियल नर्व, ये किसने जवाब दिया है? मैम हनान। हनान तुम क्लास में होते मैं तुम्हारे लिए तालियां बजवाती।
अब मुझे कोई बताए नाइन्थ क्रैनियल नर्व का नाम क्या होता है? ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व. Glossopharyngeal, very nice, mashallah. Okay, so glossopharyngeal nerve functionally fibers leke aati hai otic ganglion ko, theek hai? Isi tarah, jo aapka submandibular ganglion hai na, submandibular, jo ki aapka lingual nerve se latka hua hai, theek hai? Lingual nerve se latka hua hai. Iske fibers, ye latka hua hai na, yani anatomical position, topographical location, lingual nerve ke saath hai. Magar functional fiber iska kaun leke aata hai? अभी सबने मुझे जवाब दिया था कि ये क्यों, ये भी तो anterior two thirds को supply करता है. I'm caudal tympani, seventh. Caudal tympani, very nice. तो इस तरह हमने सारे ये ganglia revise कर लिए, ठीक है? So I just wanted to like, मैं थोड़ा सा brainstorm करना चाह रही थी तुम लोगों के लिए and make you understand. चलो आ जाओ, let's get back to the lecture. So अब ये हम बात कर रहे थे, हम कौन सी nerve पढ़ेंगे? Inferior alveolar की slide पे आ गई हूँ मैं, ठीक है? इन्फीरियर एल्वियोलर की मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी स्लाइड्स से ज्यादा बात सुना करो, अंडरस्टैंड किया करो कि मेरा पॉइंटर कहाँ पे जा रहा है, बिकॉज द स्लाइड्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड द स्लाइड्स आर इन नो वे नो वे नो वे एवर कि तुम लोग ये स्लाइड्स पढ़ो और कहो कि हम टेस्ट पास कर लेंगे, ठीक है? यू हैव टू गो बैक टू योर बुक्स, ओके? इसके अंदर क्लिनिकल्स भी नहीं होते इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल्स मैं साथ साथ बता रही होती हूँ, आई डोंट राइट एवरीथिंग ऑन माई स्लाइड्स, ठीक है? सो प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक कि तुम लोगों को लग रहा हो कि ये लेक्चर्स बहुत जबरदस्त बने हुए, ये बहुत गंदे लेक्चर्स हैं, ये इंतहाई बुरी प्रेजेंटेशंस हैं, इसलिए आपने इनको नहीं फॉलो करना. मैं जानबूझ के इन पे कॉपी पेस्ट और वो बनाती हूँ ताकि आप लोग बुक्स ना छोड़ो, ठीक है? सो इट एंड्स ऑपोजिट, ये बात कर रही हूँ मैं इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की, इट एंड्स ऑपोजिट टू द मेंटल फोरमेन बाय डिवाइडिंग इनटू टू ब्रांचेस. ये मैंने बात बताई थी कि मेंटल फोरमेन पे आते हैं, मैंडिबुलर फोरमेन से अंदर घुसती है इंफीरियर एल्वियोलर, मेंटल फोरमेन से निकलती है और दो ब्रांचेस देती है जो कि इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं. वैसे इसकी चार ब्रांचेस हैं, ठीक है? मगर दो टर्मिनल है. मेंटल नर्व कम्स आउट ऑफ द मेंटल फोरमेन एंड इट इज सेंसरी टू द चिन, ठीक है? इंसाइसिव नर्व कंटिन्यूज इनसाइड द मैंडिबल टू सप्लाई द लोअर केनाइन एंड इंसाइजर टीथ, ठीक है? इंसाइसिवली कहते हैं, इंसाइजर को देती है और केनाइन को देती है. और इसके अलावा जो इसकी ब्रांचेस थी, माइलोहाइड थी जो सबसे पहले देती थी, डेंटल थी जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो डेंटल ब्रांचेस दे रही है, और इंसाइसिव और मेंटल इसकी लास्ट ब्रांचेस है. यहाँ पे ये क्या दिखा रहे हैं, अब ये बहुत ही जरूरी है. अब डेंटिस्ट्री में जब आप थर्ड ईयर में आओगे ना, तो यू विल गिव दीज इंजेक्शन. यहाँ पे तुम लोग फील करके ना इसी नर्व को जो अभी पढ़ रहे हो ना, इस नर्व को ब्लॉक किया करोगे इंजेक्शन देके, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड एन इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक. इस पे लिख के 10,000 स्टार्स बना लो, क्योंकि ये फोर्थ ईयर तक जान नहीं छोड़ेगी. फर्स्ट ईयर में भी पूछी जाएगी, सेकेंड ईयर में शायद छोड़ दें, थर्ड ईयर में भी पूछेंगे और फोर्थ ईयर में तो इस पे काम करवाएंगे, ठीक है? सो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक, द एनाटॉमी एंड इंजेक्शन साइट उसकी कौन सी है? इट इज द इंफीरियर एल्वियोलर ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व. यूं करके आ रही होती है, यहाँ पे लिंगुला पड़ा होता है, यहाँ पे मैंडिबुलर फोरमेन होता है, उसके अंदर जा रही होती है. अंदर जाने से बिल्कुल पहले वो आपको ब्रांच दे देती है माइलोहाइड की, जो कि यहाँ पे बाहर निकल गई. ये माइलोहाइड ब्रांच है, देख रहे हो? यूं करके ये वाली, ये माइलोहाइड ब्रांच है, यहाँ पे माइलोहाइड मसल पड़ा होता है तो उसे सप्लाई कर देती है. एक और ब्रांच दे रही है लॉन्ग बकल. ये लॉन्ग बकल जो ब्रांच है ना, जो डेंटल ब्रांचेस मैंने बात की ना, डेंटल, ये उसमें से एक का नाम है. लॉन्ग बकल यहाँ पे आती है. तो जब आप दांतों को, हम जब भी एक्सट्रैक्शन करते हैं ना इधर के दांतों की, ये लास्ट थ्री मोलर्स की, ठीक है? लास्ट थ्री मोलर्स में जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो आप एक इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक देते हैं और एक लॉन्ग बकल ब्लॉक देते हैं, ठीक है? यू कैन लुक इट अप इन द इंटरनेट अगर KLM में नहीं लिखा, बिकॉज ये सर्जरी की बुक्स में होता है, ओरल सर्जरी की. लॉन्ग बकल आप यहाँ पे इंजेक्शन देते हैं, ठीक है? इसके अंदर, इसके गम के अंदर जाके इंजेक्शन देते हैं, तो लॉन्ग बकल यूं आके ना यूं यूं सप्लाई करती है सबके गम्स को, बकल एरियाज में. तो आप वहां पे लॉन्ग बकल, बकल साइड में दांत के गम में दे देते हैं ब्लॉक. और जो इंफीरियर एल्वियोलर है ना, यहाँ पे आप इसे फील करके पीछे हाथ डाल के पेशेंट के मुंह में उसे साइड से पकड़ के, आई विश आई कुड शो इट यू गाइस बट आई विल शेयर अ वीडियो विद यू गाइस टुनाइट, ठीक है? छोटी सी कि कैसे इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक देते हैं. तुम लोगों ने सब ने ये करना है. आप यहाँ पे इस एरिया को फील करते हैं और वहां पे अपना इंजेक्शन डालते हैं, विच इज अ वेरी डीप इंजेक्शन, ठीक है? जब तक बोन हिट होती है आपकी इंजेक्शन, आप लंबी सी नीडल होती है और जाके बोन, ये वाली बोन हिट करती है. जब हिट करती है तो आप उसे थोड़ा सा पीछे करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो आप इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दे देते हैं. तो ये सारा हिस्सा सुन हो जाता है अप टू योर चिन एरिया, क्योंकि इंफीरियर एल्वियोलर आगे आके चिन को भी सप्लाई करती थी ना. तो ये सारे दांत और आपका चिन एरिया
ये सब कुछ सुना हो जाता है इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक से. तो जब भी आपको डेंटिस्ट जो है ना यहाँ पे काम कर रहा होता है पोस्टीरियर टीथ पे, तो जरूर Hi guys, can you hear me now? Yes, ma'am. कहाँ से नहीं, कहाँ से छोड़ा है, क्या चीज़ नहीं समझ आई? Yeah, इधर से मैम, इसी स्लाइड से. हम शुरू से बता देंगे वाला. हाँ, हसन तो कहेगा प्रेजेंटेशन ही शुरू से करा दें, बल्कि मुझे फर्स्ट सम स्टेज से शुरू से बता दें, क्योंकि मैं पूरा साल सोता रहा हूँ, अभी भी घर पे सो रहा हूँ. अच्छा, तो ब्लॉक समझ आई है तुम लोगों को? Yes, miss. मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दें, आप पेशेंट के मुंह में फील करते हैं, अंदर जाते हैं मीडियल साइड पे, यू पुट योर फिंगर इन, आई विल शेयर अ वीडियो, वहाँ पे जब बोन फील होती है वहाँ पे आप साथ उसके इंजेक्शन दे देते हैं. जब तक ये वाली बोन नहीं हिट होती, फिर थोड़ा सा नीडल को रिट्रैक्ट करते हैं, लंबी नीडल्स होती है हमारे पास, ठीक है, डेंटिस्ट के पास, एंड देन यू अपना आप एनेस्थीसिया वहाँ पे डिलीवर करते हैं, तो ये सारी ब्लॉक हो जाती है. इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पे ब्लॉक देते हैं तो ये लॉन्ग बकल यहाँ पे सारे ये दांत भी हो जाएंगे, क्योंकि इसकी ब्रांच इंसाइसिव थी, तो ये सारे दांत भी हो जाएंगे. आगे ये मेंटल ब्रांच देती थी तो चिन भी हो जाएगी. पूरा जो आपका उस साइड ऑफ द फेस नीचे से होता है ना, सारे दांत और चिन, वो सारा जो है ना, लिंगुअल भी थोड़ी सी हो जाती है कभी कभार, थोड़ा सा टंग भी हो जाती है, मगर टंग इतनी नहीं होती क्योंकि टंग लिंगुअल नर्व से सप्लाई हो जाती है. तो ये सारी साइड ऑफ द जो है ना फेस नीचे से वो नम हो जाती है, ठीक है. दैट इज योर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक. अभी जो लॉन्ग बकल नर्व है ना, दिस इज वन ऑफ द डेंटल ब्रांचेस, ठीक है. ये डेंटल ब्रांच थी ना इंफीरियर एल्वियोलर की, जो यहाँ पे डेंटल ब्रांचेस मोलर को आ रही होती है ना, उसे कहते हैं लॉन्ग बकल. तो जब तुम लोग ये वाला दांत निकालोगे ना इन थ्री मोलर्स में से कोई भी, तुम यहाँ पे इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दोगे और लॉन्ग बकल इसकी बकल साइड पे इसके गम एरिया के अंदर दोगे इंशाल्लाह. So when you come over here, जब anterior दांत निकालने हो, तो anterior का हमने पढ़ा था कि incisive nerve थी, incisive branches की थी, तो हमें पीछे से block देने के बहुत देर तक anesthetize रहे, मुश्किल है देना, ठीक है, feel करना है पे पूरा, देखो उसने feel किया हुआ, मुश्किल भी होता है देना, ठीक है, practice के साथ आता है और सारा area block हो जाता है. जब तो हमने इंटीरियर टीथ निकालने होते हैं ना, वो मल्टी रूटेड होते हैं, एक एक उनके बेचारों की रूट होती है, तो उन्हें आप आगे इंसाइसिव एरिया में ना, मतलब बकल साइड पे और लिंगुअल साइड पे, यहाँ पे इनके गम एरिया में इनके साथ साथ ही इंजेक्शन दे के तो वहीं से निकाल लें, ठीक है. ये बात क्लियर हो गई है सबको? हेलो. अच्छा, तो तुम लोगों को याद रखना चाहिए, हमने इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक की बात की, हमने लॉन्ग बकल ब्लॉक की बात की, हमने इंसाइसिव ब्लॉक की बात की है. तीन ब्लॉक्स याद रखना, ठीक है. नर्व टू माइलो हाइवॉइड, ओ दिस इज सो इम्पोर्टेंट. नाउ लुक, व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि मैंने तुम लोगों को एक बात गलत बताई. मैंने तुम लोगों से कहा कि इस पे आ जाओ, मैंने कहा कि ये सारी सेंसरी है सिवाय ऑरिकुलो टेम्पोरल के, यही मैंने कहा था, मगर बात गलत है. जो इन्फीरियर एल्वियोलर की एक ब्रांच है ना माइलोहायोइड, ये तो मोटर है, ये नर्व टू माइलोहायड तो मोटर है, बिकॉज ये माइलोहायड मसल को जाती है, तो दो ब्रांचेस मोटर हो गए. एक ऑरिकुलो टेम्पोरल में से सिक्रीटो मोटर फाइबर जाते हैं, नॉट पर से मोटर, बट सिक्रीटो मोटर और नर्व टू माइलोहायड, इसमें एक ब्रांच, इसलिए से हम कहते हैं ये माइन्यूटली मोटर है, क्योंकि इन्फीरियर एल्वियोलर की एक ब्रांच मोटर है, ठीक है. ऑलराइटी, वेयर एम आई, वेयर एम आई, वेयर एम आई. मैम ये फिर सेंस की होगी जब ये, मैम ये सेंस की होगी जब ये मैंडिबुलर इंसाइजर को देगी तो. हाँ हाँ, वो सारी सेंसरी है, इन्फीरियर एल्वियोलर की सारी ब्रांचेस माइलोहायड के अलावा सेंसरी है. इंसाइसिव भी सेंसरी है क्योंकि वो दांतों की सेंसेशन, इसलिए तो आप उसे ब्लॉक करेंगे. डेंटल भी सेंसरी हो, दांतों की सेंसेशन लेके जा रही है, आप उन्हें ब्लॉक करेंगे तो आप दांत निकाल सकते हैं, वरना पेशेंट आपको जान से मार देगा. और बाकी जो मिक्स्ड है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व पे अगर सवाल आए तो इट्स अ मिक्स्ड नर्व,
जिसकी एक ब्रांच माइलोहाइड मोटर है, ठीक है, बाकी तीनों सेंसरी हैं, सही है। लेकिन मैम ये सेंसरी इनर्वेशंस भी देती है, ये माइलोहाइड सेंसरी भी, सेंसरी देती है इनर रेमस ऑफ द मैंडिबल को, देती होगी, बिल्कुल देती होगी, मगर इट इज मोस्टली मोटर टू द माइलोहाइड मसल एंड एंटीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक, ठीक है, ये बात नहीं हमने बोलनी। देखो व्हाट डज इट से, इट कंटेन all the fibers of the posterior of the mandibular nerve, ठीक है, तो जितने motor fibers है ना, secreto motor auriculo temporal के पास है, मगर जितना भी motor supply है ना posterior division का, वो सारे nerve to mylohyoid के पास है, ठीक है। So it arises as a branch of inferior alveolar before it enters the mandibular foramen, runs in the mylohyoid groove on the inner surface of the ramus of mandible, it ends by supplying the mylohyoid muscle and anterior belly of the digastric. Now I'm not sure what you were asking, whether this is a sensory nerve at the same time or not. I will look that up. But what from what I know, okay, this is only motor to the mylohyoid and anterior belly of digastric, and it is not sensory to these areas. Okay, जहाँ से वो गुजर रही है. So I will look that up. Like, इधर से जब ये sensations देगी ना incisors को, तब है इसमें. नहीं तो वो माइलोहाइड नर्व नहीं है, माइलोहाइड नर्व नहीं इंसाइजर्स को सेंसेशन देती। मैं आपको फिर बाद में चेक करवा देती हूँ अभी आपको। हाँ चलो ठीक है, मुझे कराना, सो विल करेक्ट इट फॉर एवरीवन एल्स टू, ठीक है? अच्छा जी, आज यहाँ पे अब दिस इज अनदर पिक्चर दैट आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू के ऑरिकुलो टेम्पोरल, ये फोरामेन ओवेल है, ओवेल से ये निकली है नर्व, ठीक है, और ऑरिकुलो टेम्पोरल ऊपर चली गई जिस तरह हमने पढ़ा था, ऊपर चली जाती है, उसके बाद लिंगुअल नर्व यूं करके दांत के पास आई, ये हमारी आई क्वाडा टिम्पनी से ज्वाइन करी है, देखो क्वाडा टिम्पनी आई यहाँ से और इसने लिंगुअल नर्व को यहीं पे ज्वाइन कर लिया, और यहाँ से आगे लिंगुअल नर्व जहाँ जहाँ जाएगी गैंग्लियन में जाएगी सब मैंडिबुलर, उसके बाद ग्लैंड्स में जाएगी, दांत में जाए वो सॉरी टंग में जाएगी, तो क्वाडा टिम्पनी के साथ ट्रैवल कर रही है, ये इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व है, वहां से उसके बाहरी नर्व टू माइलोहाइड निकल गई है, और पीछे से मेंटल नर्व निकली, पीछे से अंदर गई है, यहाँ से मेंटल नर्व निकलती है, यहाँ से इंसाइजिव ब्रांचेस निकलती है, ओटिक गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन को जल्दी से देख लेते हैं, वैसे तो हमने इसका सारा कर लिया, ठीक है, स्मॉल ओवल शेप फ्लैटेंड गैंग्लियन सिचुएटेड इमीडिएटली बिलो द फोरामेन ओवेल लाइज ऑन द मीडियल सर्फेस ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, अच्छा मीडियली टू द मैंडिबुलर नर्व है, and surrounds the origin of the nerve to medial pterygoid. जहाँ से nerve to medial pterygoid निकल रही होती है, बिल्कुल उसके साथ ही पड़ा होता है medially. इसके relations याद करना जरूरी है कि laterally इसके obviously mandibular nerve पड़ी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि medially to the mandibular nerve है, तो laterally trunk of the mandibular nerve पड़ी हुई है, इसके medially जो है auditory tube पड़ी हुई है, ठीक है, auditory tube पड़ी हुई है, और posteriorly इसके medial meningeal artery पड़ी हुई है, ठीक है, इसकी लैटरली मैंडिबुलर नर्व है, मीडियल साइड पे जो फेरिंजियो टिम्पैनिक की ऑडिटरी ट्यूब है, और टेंसर विलाई पिलेटिनाई मसल का ओरिजिन हो रहा है, पोस्टीरियरली इसके मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पड़ी होती है, ये क्या है, इट इज वन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन जो कि सिक्रीटो मोटर टू द रोटेड ग्लैंड है, टोपोग्राफिकली रिलेटेड टू द मैंडिबुलर ग्लैंड नहीं मैंडिबुलर नर्व, टोपोग्राफिकली रिलेटेड टू द मैंडिबुलर नर्व but functionally part of the glossopharyngeal nerve, jo humne baat ki thi ki glossopharyngeal cranial nerve kis 9 ke sath functionally related hai, magar anatomically mandibular nerve ki auriculo temporal ke sath hai, aur chhota sa tiny hai 2 to 3 mm in size hai, aur ovale ke paas pada hota hai, ye iski location hai, dekho ciliary ganglion yahan orbit mein posteriorly pada hua hai, theek hai, ye aapki trigeminal nerve tha, yahan pe jo ganglion hota hai ye kaun sa ganglion hai guys, trigeminal का, no this one जिसमें से trigeminal की तीनों branches निकलती हैं, no guys this one trigeminal की तीनों branches निकलती हैं, और ophthalmic maxillary mandibular, ये कौन सा ganglion है जिसमें से तीनों sensory branches निकलती हैं trigeminal nerve की, trigeminal ganglion trigeminal ganglion or the Caesarian ganglion or तीसरा नाम क्या था इसका, semilunar ganglion, ठीक है, वो तो tiny है, ये कितना बड़ा है, ये तो बिल्कुल tiny tiny है, parasympathetic ganglion ये रहे चारों 1 2 3 4, ठीक है, ciliary ganglion यू orbit में पीछे पड़ा हुआ है,
और ये जो है ना आपकी मैक्सिलरी नर्व के साथ टेरिगोपैलेटाइन फॉसा में पड़ा हुआ, देख रहे हो छोटा सा टेरिगोपैलेटाइन फॉसा, ये टेरिगोपैलेटाइन फिशर है, उसके अंदर ये टेरिगोपैलेटाइन फॉसा, ये कौन सी बोन है, ये क्या है जिस पे मैंने अभी कर्सर हिला रही हूँ? कम ऑन गाइस, टाइम इज गोना बी अप सून. उसके अंदर टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन है, ठीक है, यहाँ पे सिलरी गैंग्लियन ऑर्बिट के पीछे, हमने कहा ओवेल के बिल्कुल साथ नीचे पड़ा हुआ है छोटा सा गैंग्लियन, ये रहा आपका ओटिक गैंग्लियन, ये मैंडिबुलर नर्व है, वो इसके लैटरली पड़ी है तो मीडियली इनसाइड ये पड़ा हुआ है, और इसके और अंदर मीडियली चले जाएंगे तो ऑब्वियसली एक जो है फेरिंग्स की ट्यूब होती है, फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब, ये फेरिंजो टिम्पैनिक ऑडिटरी ट्यूब होती है जो कि एक तरफ से फेरिंग्स से कनेक्टेड होती है, एक तरफ से ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस से कनेक्टेड होती है, तो ये इसके मीडियली पड़ी हुई इनर ट्यूब नजर आती है, तो मीडियली ट्यूब पड़ी हुई है, लैटरली नर्व पड़ी हुई है, और पोस्टीरियरली इसके मिडिल वो पड़ी हुई होगी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इसके पीछे पड़ी हुई होगी, ठीक है, चौथा गैंग्लियन ये है, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, कौन सी नर्व से लटका हुआ है ये देखो, अल्लाहु अकबर, लटका हुआ है, मैंने कहा है किस नर्व से लटका हुआ है, लिंगुअल नर्व से, ये देखो लिंगुअल नर्व से कैसे लगा हुआ है, ठीक है, सही है, अब ये बात समझ आ गई है, इसको तुम लोग खुद डिटेल में ये वाला डायग्राम देख सकते हो, अपनी बुक से बेशक देख लेना तो इट विल हेल्प यू, ठीक है, क्योंकि सारे गैंग्लियंस कहाँ पड़े हैं, ओटिक गैंग्लियन की डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह मैं बताती हूँ, रूट्स एंड ब्रांचेस बड़ी जरूरी होती है, रूट्स इसकी क्या है, इसकी रूट जो है वो पेट्रोसल नर्व ने बनाई हुई है, पेट्रोसल नर्व पैरासिम्पथेटिक रूट बनाता है, पेट्रोसल नर्व किसकी ब्रांच होगी जो इसकी रूट बना रहा है, अभी हमने बात की थी, कौन सी क्रेनियल नर्व की ब्रांच होगी है जो इसकी रूट बना रहा है, नाइन, क्रेनियल नर्व नाइन की ब्रांच होती है पेट्रोसल नर्व, ठीक है, तो वो उससे इसकी रूट बन रही है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स डिराइव फ्रॉम द इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, अब जो हर गैंग्लियन है उसका न्यूक्लियस भी पता होना चाहिए, जो इससे पहले हमने गैंग्लियन पढ़ा था टेरिगोपैलेटाइन उसका कौन सा न्यूक्लियस था, कम ऑन गाइस, कौन सा न्यूक्लियस था टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन का, आई थिंक सलिवेटरी, सुपीरियर सेलिवेट्री या सुपीरियर सेलिवेट्री न्यूक्लियस, इसका इंफीरियर है उसका सुपीरियर सेलिवेट्री था, जल्दी से याद करो सिलरी गैंग्लियन का कौन सा न्यूक्लियस था, ई से शुरू होता था, ई से, एडिंगर वेस्टपाल, लाइक दिस, एडिंगर वेस्टपाल, बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल अच्छा, सो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स पास थ्रू द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व टू द पैरोटिड ग्लैंड, अच्छा जुमा मरियम है यहाँ पे, इज जोहा विद अस, जोहा आर यू विद अस, Zoha, are you with us? Is Shahid with us? Shahid yes, Nawaz. Is Tabir yes, with us? Yes, ma'am. Is Noor Omar with us? Yes, ma'am. Zoha, where is Zoha? अच्छा मेरा टाइम खत्म हो गया है एनीवे, सो जोहा हैज नॉट रिप्लाइड टुडे, जोहा को जो भी जोहा का दोस्त है उसे वार्न करते, सो पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व के सिंपथेटिक रूट जो है वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के अराउंड से पास करती है, एंड अगेन इट गोज विद द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ठीक है, सेंसरी रूट ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व ही सेंसरी टू द पैरोटिड ग्लैंड है, ये तीनों इसके रूट्स एंड ब्रांचेस है, एंड आई वॉन्ट टू शो यू ये किस तरह सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से शुरू होता है और ये इसका पूरा ब्रांच ये किस तरह जाता है, ठीक है,
यू कैन लुक एट इट ओवर हियर, ये सुपीरियर से इनफीरियर सॉरी इनफीरियर से लाइबरी न्यूक्लियस है. उसके बाद ये टिम्पैनिक ब्रांच होती है, आपकी ग्लॉसोफेरिंजियल की एक टिम्पैनिक प्लेक्सस बनता है. लेसर पेट्रोसल नर्व होती है, ओटिक गैंग्लियन में रिले करती है, एंड देन इट गोज टू द ग्लैंड थ्रू द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व. ठीक है, तो ये इसका पूरा पैरासिम्पैथेटिक रूट ऑफ द पैरोटिड है, मगर जब हम पैरोटिड करेंगे वी विल लुक इनटू द डिटेल. अप्लाइड एनाटॉमी रीड कर लेना, आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल द ब्लॉक्स. दिस इज द असाइनमेंट दैट यू गाइस हैव. और ये है फॉर्मेट जो मैंने नीचे लिखा, पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन का मैंने पूरा फॉर्मेट लिख दिया है. इस तरह से ये जो चारों गैंग्लिया आज हमने डिस्कस किए ना, अभी हमने सिर्फ सब मैंडिबुलर नहीं पढ़ा, बाकी तीनों पढ़े हैं. तो बाकी तीनों को अपने नोट्स में इस तरह लिख के रखो और मुझे ये भेजो. दिस इज द फोर्थ असाइनमेंट. ठीक है, गैंग्लिया इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड. बस सिर्फ एक एक लाइन में जिस तरह फॉर्मेट दिया हुआ है आपने वो मुझे बताना है. इंफीरियर डेंटल प्लेक्सस एक लाइन में बताना है, सिंपथेटिक प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बताने हैं, मुझे सिंपथेटिक आपने ओटिक गैंग्लियन का लिख के देना है. Write a short note on Frey syndrome. और ये गैंग्लिया जो है ना, आपने चारों गैंग्लिया जो है इस तरह लिखने हैं. ठीक है, नहीं all three, सब मैंडिबुलर के अलावा बाकी तीनों करने. All right guys, कोई questions हैं? किसी का कोई question है? Excuse me ma'am. जी. Ma'am ये inferior dental plexus जो है inferior alveolar nerve की branch है. हाँ, उससे किस तरह पर बिल्कुल ऐसी है, तो उसे लिखो ना कि किस तरह इंफीरियर डेंटल प्लेक्सस बनता है. व्हाई इज इट कॉल्ड अ प्लेक्सस, आई वांट टू नो दैट. ओके मैम. से हम सिर्फ ब्रांच क्यों नहीं कह रहे. ठीक है, ओके. इन तीन गैंग्लिया के आपने इस दिस थर्ड वन इज फॉर यू नॉट फॉर मी. ओके, दिस थर्ड वन इज फॉर यू गाइज, कि इसको सारे गैंग्लिया को इस तरह एक जगह लिख के रख लो, मेक नोट्स. और जब चौथा पढ़ोगे तब भी इस तरह लिख के रख लेना, तो इट हेल्प यू इन द एग्जाम. क्योंकि नोट्स जब लिखने को आते हैं, इफ यू राइट इट लाइक दिस, तो आपको एक नंबर ऊपर ही देगा एग्जामिनर, कम नहीं देगा. ठीक है, समझ आ गई है सबको? कैन वी लॉग ऑफ नाउ? यस मैम, ओके. कोई किसी को इशू हुआ तो यू गाइस कैन आस्क मी लेटर. ठीक है, आस्क मी ऑन द ग्रुप अगर कोई बात इसमें से ना समझ आई. आई एम गोना लॉग आउट नाउ. ठीक है, ओके. Love is